गुड मॉर्निंग टू ऑल, वेलकम टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। डियर फ्रेंड्स, ये हमारा सेकेंड पार्ट है चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ सप्लीमेंट्री, विच इज़ द थर्ड लेवल। अगर आप यूपी सीबीएसई एमपी या बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो दिस चैनल इज ओनली फॉर यू गाइज। इमीडिएटली सब्सक्राइब दिस चैनल टू मेक श्योर इफ़ यू वॉन्ट टू गेट 95 प्लस मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स एक सब्जेक्ट में पाना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी यहाँ से बहुत ही अच्छे से करिए, नारायण इंस्टीट्यूट से, ठीक है। इंग्लिश में मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके मार्क्स जो हैं 95 प्लस होंगे अगर आप पर डे क्लासेस को अटेंड करते हैं, जो गाइडेंस आपको दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं। आइए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। इससे पहले हम लोगों ने समझ लिया था अपने आगे के जो हमारे पैराग्राफ्स हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। Without getting late, now we should start our session. Let's start the today's class. देखिए यहाँ पर the corridor I was in began angling left. जो corridor था जिसमें मैं शुरुआत में था वो angling left मतलब बाई ओर एक कोण बनाता हुआ slanting down नीचे की तरफ जा रहा था और I thought it was wrong. और मैंने सोचा कि मैं तो गलत रास्ते पर आ गया हूँ, ये गलत है। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, लेकिन मैं चलता गया। ऑल आई कुड हियर वॉज द एम्पटी साउंड ऑफ माई ओन फुटस्टेप्स। और मैं उस कॉरिडोर में क्या सुन पा रहा था, केवल अपने ही खाली पैरों की आवाज़ सुन पा रहा था। एंड आई डिडंट पास अ साउल, और उस रास्ते में मुझे कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर, फिर मैंने एक प्रकार का, ठीक है, खोखली आवाज़ सुनी अहेड, आगे की तरफ से जो आ रही थी। दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, जो कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि किसी खुले जगह से आवाज़ आ रही है और लोग वहाँ पर बातें कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, अब जो टनल थी, सुरंग थी, वो तेज़ी के साथ बाईं ओर मुड़ रही थी। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर, मैं नीचे गया सीढ़ियों से। एंड केम आउट ऑन थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पर पहुंच गया। फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट, एक पल के लिए मैंने सोचा, आई वॉज बैक ऑन द सेकेंड लेवल, कि मैं दोबारा से सेकेंड लेवल पर आ गया हूँ। बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि जो रूम थे वहाँ के वो सेकेंड लेवल से ज़्यादा छोटे थे, ठीक है, यानी सेकेंड लेवल पर बड़े बड़े रूम थे। देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, और वहाँ पर कुछ ही टिकट विंडो थे। एंड ट्रेन गेट्स, और ट्रेन के गेट थे। कहाँ पर, थर्ड लेवल पर। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो इंफॉर्मेशन बूथ था वो स्टेशन के बीचों बीच था और वो लकड़ी का बना हुआ पुराना दिख रहा था। एंड द मेन बूथ, और जो मेन बूथ था, एंड द मेन इन द बूथ वोर अ ग्रीन आई शेड, और एक व्यक्ति जो उस बूथ में था उसने हरे रंग का आई शेड पहन रखा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हरे रंग का आई शेड पहन रखा था। एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स प्रोटेक्टर, और एक बड़ा सा काले रंग का स्लीव प्रोटेक्टर पहन रखा था। द लाइट्स वर डिम, और वहाँ पर जो लाइट थी बहुत ही डिम थी, यानी बहुत ही कम प्रकाश था। एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, और एक प्रकार से वो झिलमिला रही थी। कौन, वो जो प्रकाश वहाँ पर था, लाइट था। देन आई सॉ हॉय, फिर मैंने देखा कि ऐसा हो क्यों रहा है। दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, तो मुझे पता लगा कि वे ओपन फ्लेम्स गैस लाइट थी, खुली ज्वाला वाली गैस लाइटें थी, ठीक है, इसलिए वो क्या कर रही थी, झिलमिला रही थी। नाउ हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को बहुत ही डिटेल्ड में। डिफरेंस वीडियो आपको कैसा लगा लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर देयर वर ब्रास स्पिटन्स ऑन द फ्लोर, यानी वहाँ पर उस फर्श पर कई ब्रास स्पिटन्स रखे हुए थे। ब्रास स्पिटन्स एक ऐसा बर्तन होता है जहाँ रखा होता है, अगर किसी को थूकना है या कोई वेस्टेज डालना है तो वहाँ पर उसके लिए उपयोग करते हैं, तो एक प्रकार का बर्तन होता है। एंड अक्रॉस द स्टेशन अ ग्लाइंट ऑफ लाइट कॉट माई आइज, और उस स्टेशन पर एक प्रकार की चमक मेरी आंखों पर पड़ी। अ मैन वॉज पुलिंग अ गोल्ड वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट पॉकेट, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एक व्यक्ति एक सोने की घड़ी को अपने पॉकेट से बाहर निकाल रहा था, ठीक है। आपको पता होगा पहले के ज़माने में लोग हैंड वॉच नहीं रखते थे,
जेब में रखा करते थे और फिर उसे निकालते थे, उसका जो ढक्कन होता है ऊपर का लिड उसे खोलकर टाइम देखते थे। ही स्नैप्ड ओपन द कवर, उसने झटके से इस कवर को खोला था, किसके, उस घड़ी के। क्लिंट्स एट हिज वॉच एंड फ्रंट, जो प्रकाश उसके वॉच पर पड़ा था और टकराकर मेरी आंखों पर आ गिरा था। ही ओर अ डर्वी हैट, उसने एक डर्वी हैट पहन रखा था, राइट। अ ब्लैक फोर बटन सूट विथ टिनी लेपल्स, एक चार बटन वाला सूट पहन रखा था जिस पर टिनी लेपल्स बने हुए थे। एंड ही हैड अ बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टेज, और उसके पास एक बड़ी सी काली दाढ़ी मूछें थी। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन द स्टेशन वॉज ड्रेस्ड लाइक 1819 समथिंग, फिर मैंने स्टेशन पर चारों ओर देखा और पाया कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी करीब 1890 के आसपास की तरह कपड़े पहने हुए हैं। ईयर 1890, ठीक है। आई नेवर सॉ सो मैनी वर्ड्स साइडबर्न्स एंड फैंसी मुस्टेचेस इन माई लाइफ, मैंने कभी भी अपने जीवन में इतनी बड़ी दाढ़ी वाले और फैंसी मुस्टेच मूछों वाले को कभी नहीं देखा था अपने जीवन में। अ वुमेन वॉक्ड, एक महिला चलती हुई इन थ्रू द ट्रेन गेट, ट्रेन गेट से बाहर आई। सी वोर अ ड्रेस विथ अ लेग ऑफ मटन स्लीव्स एंड स्कर्ट, उन्होंने एक मटन स्लीव्स, ठीक है, जैसे एक कपड़े पहन रखे थे, राइट। और टू टॉप ऑफ हर हाई बटनड शूज, और एक टॉप पहन रखा था, ठीक है, जो कि उसके हाई बटन शूज यानी उसके शूज के जहाँ बटन लगते हैं वहाँ तक आ रहे थे। बैक ऑफ हर, उसके पीछे। आउट ऑन द ट्रैक टेम्पल्स ऑफ लोकोमोटिव, ठीक है, मेरी नज़र पड़ी एक प्रकार के इंजन पर। अ वेरी स्मॉल क्यूरियन एंड लाइफ लोकोमोटिव विथ अ फनल शेप्ड स्टिक, राइट, या कुरियर एंड इज कंपनी का बड़ा छोटा सा इंजन था जिसकी कीव जैसी चिमनी थी। देन आई न्यू, फिर मुझे पता चल गया। टू मेक श्योर, निश्चित करने के लिए आई वॉक्ड ओवर टू अ न्यूज़ बॉय, मैं एक न्यूज़ बॉय के पास गया। एंड क्लिंट्स एट द स्टेक ऑफ न्यूज़ पेपर, और मेरी नज़र उस अखबार के ढेर पर पड़ी। एज एट हिज फिट, जो उसके पैरों पर पड़े हुए थे। इट वॉज द वर्ल्ड, और यह जो अखबार था ये था द वर्ल्ड। एंड द वर्ल्ड हैजंट बीन पब्लिश फॉर ईयर्स, और ये जो द वर्ल्ड था ये कई वर्षों से पब्लिश नहीं हुआ था यानी प्रकाशन नहीं हुआ था। द वर्ल्ड एक प्रकार का न्यूज़ पेपर है, जैसे अपने यहाँ चलता है हिंदुस्तान, दी हिंदू, कुरुक्षेत्र, ठीक है, ये जो न्यूज़पेपर्स हैं ऐसे उस समय वहाँ पर चला करता था द वर्ल्ड, ठीक है। आइए समझते हैं आगे। द लीड स्टोरी सेड समथिंग अबाउट प्रेसिडेंट क्लीवलैंड, और उसमें जो खबर थी वो कुछ प्रेसिडेंट क्लीवलैंड के बारे में थी। आई हैव फाउंड दैट फ्रंट पेज सिंस इन द पब्लिक लाइब्रेरी, और बाद में मुझे वह पेज पब्लिक लाइब्रेरी में मिला। एंड इट वॉज प्रिंटेड 11 जून 1894, और यह छपा हुआ था 11 जून 1894 में। आई टर्न टूअर्ड द टिकट विंडो नोइंग दैट हियर, मैं टिकट विंडो की ओर मुड़ा यह जानने के लिए। ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रांड सेंट्रल, एट ग्रांड सेंट्रल, ग्रांड सेंट्रल के थर्ड लेवल पर, कि आई कुड बाय टिकट्स दैट वुड टेक लुइजा एंड मी एनीवेयर इन यूनाइटेड स्टेट, कि मैं दो टिकट्स खरीद सकूं जो मुझको और लोइजा को इस यूनाइटेड स्टेट में कहीं भी ले जा सके। वी वांटेड टू गो, जहां भी हम जाना चाहते हैं। इन द ईयर 1894, 1894 के वर्षों में। एंड आई वांटेड टू टिकट्स टू गेट वर्क गेल्सबर्ग, यानी मैं गेल्सबर्ग के लिए दो टिकट्स चाहता था। कब, 1894 में, गेल्सबर्ग एलिनियस, ये एक जगह है। हैव यू एवर बीन देयर, क्या आप कभी वहाँ गए हो। इट इज़ अ वंडरफुल टाउन, यह एक बहुत ही सुंदर नगर है। स्टिल विथ बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, और यहाँ पर जो घर हैं वो बड़े बड़े लकड़ी के बने हुए हैं। ह्यूज लॉन्स एंड ट्रेमेंडियस ट्रीज हुज ब्रांचेस मीट ओवर द रूफ, और यहाँ पर बड़े लॉन्स हैं एंड ट्रेमेंडियस ट्रीज, और विशाल पेड़ हैं
हुज ब्रांचेस मीट ओवरहेड एंड रूफ ऑफ द स्ट्रीट, जिसकी जो शाखाएं हैं वो ऊपर जाकर मिलती हैं और गलियों में एक छत का निर्माण कर देती हैं। एंड इन 1894 और 1894 में समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग, जो शाम होती थी ठीक है वो आज के शाम से दुगनी हुआ करती थी। एंड पीपल सैट आउट ऑन देयर लॉन्स, और लोग अपने लॉन्स में बैठे रहते थे। द मैन स्मोकिंग सिगार्स, लोग सिगार पिया करते थे। एंड टॉकिंग कोटली, और शांतिपूर्वक बातें करते थे। द वुमेन वेविंग पॉम लीव फैंस, ठीक है जो महिलाएं होती थी वो क्या करती थी, महिलाएं ताड़ के पत्ते से हवा किया करती थी और जुगनू हमारे चारों तरफ क्या हुआ करते थे, हर तरफ जुगनू होते थे इस शांतिपूर्ण संसार में। टू बी बैक देयर, वहाँ वापस जाना विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ, अगर वहाँ वापस जाएं तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो 20 वर्षों बाद होगा एंड वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओवर 40 ईयर्स इन फ्यूचर, और जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड है वो भविष्य में 40 वर्षों बाद होगा। आई वॉन्टेड टू टिकट्स फॉर दैट, और जिसके लिए मैं 2 टिकट चाहता था। राइट, आइए बढ़ते हैं आगे। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, अब जो क्लर्क था वहाँ पर उसने किराए का हिसाब लगाया। ही ग्लेंस एट माई फैंसी हैट बैंड, उसने एक टक देखा मेरे फैंसी हेड बैंड पर। बट ही फिगर द फेयर, लेकिन उसने किराया मुझे बता दिया। एंड आई हैड इनफ फॉर 2 coach tickets वन वे, और एक तरफ से जाने के लिए मेरे पास पर्याप्त 2 coach के लिए टिकट के पैसे थे। बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी, लेकिन जब मैंने गिनकर पैसों को बाहर निकाला एंड लुक्ड अप, और ऊपर देखा, द क्लर्क वॉज स्टेयरिंग एट मी, जो क्लर्क है वो मुझे घूर रहा था। ही नोडेड एट द बिल्स, ठीक है उसने इस पैसे को देखकर अपना सिर हिलाया। दैट इसंट मनी मिस्टर, श्रीमान ये पैसे नहीं है ठीक। ही सेड, उसने कहा, किसने, क्लर्क ने। एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, और अगर तुम चाहते हो मुझे धोखा देना, यू वॉन्ट गेट वेरी फार, तुम ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। एंड ही क्लीन्स एट द केस ड्रावर बिसाइड हिम, और मैंने उसके कैश ड्रावर जो कि उसके बगल रखा हुआ था देखा। ऑफकोर्स द मनी वॉज ओल्ड स्टाइल बिल्स, सचमुच जो पैसे थे वो पुराने जमाने के थे। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी वी यूज नाउडेज, और इस पैसे के आधे थे, इसकी लंबाई आधी थी जो हम आज के दिनों में प्रयोग करते हैं। एंड डिफरेंट लुकिंग, और देखने में भी अलग थे। आई टर्न अवे एंड गॉट आउट फास्ट, मैं पीछे मुड़ा और तेजी से भाग निकला। देर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल, क्यों, क्योंकि जेल के बारे में कभी कुछ अच्छा नहीं होता है, इवन इन 1894, चाहे वो 1894 की जेल ही क्यों ना हो। शार्ले कहते हैं कि मैं मुड़ा वहाँ से पीछे और भागा तुरंत, ठीक है क्यों, क्योंकि जेल तो अच्छा नहीं होता चाहे वो 1894 का ही जेल क्यों ना हो। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। एंड दैट वॉज दैट, और अब ना कुछ कहने की बात थी ना कुछ सुनने की बात थी। आई लेफ्ट द सेम वे आई कैम, मैं जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते से भाग गया। आई सपोज, मैंने माना, नेक्स्ट डे ड्यूरिंग लंच आवर, ठीक अगले दिन लंच आवर के दौरान, आई ड्रिव $300 आउट ऑफ द बैंक, मैंने बैंक से $300 निकाले। नियरली ऑल वी हैड, लगभग जो कुछ भी मेरे पास थे। एंड प्रोट ओल्ड स्टाइल करेंसी, और इसके बदले मैंने पुराने ज़माने की करेंसियों को निकाला, मतलब ख़रीदा। दैट रियली वरीड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड, जिसने सब कुछ सचमुच मेरे साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को परेशान कर दिया। यू कैन बाय, तुम खरीद सकते हो ओल्ड मनी एट आलमोस्ट एनी कॉइन डीलर्स, तुम पुराने ज़माने के पैसों को किसी भी कॉइन डीलर से खरीद सकते हो। बट यू हैव टू पे अ प्रीमियम, लेकिन तुम्हें इसके लिए अतिरिक्त प्रीमियम देना पड़ेगा। माई $300 बॉट लेस देन 200 इन ओल्ड स्टाइल बिल्स, और मेरे ये $300 के बदले मुझे 200 से भी कम ओल्ड स्टाइल करेंसी मिली। बट आई डिडेंट केयर, लेकिन मुझे इसकी कोई चिंता नहीं थी।
क्यों चिंता नहीं थी, एक सुबह 13 सेंट्स आ डोजन इन 1894। क्यों? क्योंकि 1894 के समय में जो अंडे थे, ठीक है, वो 13 सेंट के ही एक दर्जन मिला करते थे। यानी तब जो महंगाई थी वो बहुत ही कम थी उस ज़माने में, चार्ली यही कहना चाह रहे हैं। बट आई नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर दैट लीड्स टू द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन। अब चार्ली कहते हैं, लेकिन मुझे दोबारा कभी भी वह कॉरिडोर नहीं मिला जो थर्ड लेवल तक जाता हो। ऑल्दो आई हैव ट्राइड ऑफन इनफ, यद्यपि मैंने भरसक प्रयास किए इसके लिए। लुइजा वॉज वेरी वरीड व्हेन आई टोल्ड हर ऑल दिस, और लुइजा भी काफ़ी दुखी हुई इसके बारे में जब मैंने उन्हें यह सब कुछ बताया। एंड आई डिडेंट वॉन्ट मी टू लुक फॉर द थर्ड लेवल एनी मोर, और वो नहीं चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल को और ज़्यादा खोजूँ। एंड और आफ्टर अ व्हाइल आई स्टॉप, और एक समय के बाद हम रुक गए खोजना। आई वेंट बैक टू माई स्टाम्प, मैं दोबारा अपने स्टाम्प पर आ गया। बट नाउ लेकिन वी आर बोथ लुकिंग फॉर, लेकिन अब हम दोनों उसके लिए खोज रहे हैं थर्ड लेवल के लिए। एवरी वीकेंड, प्रत्येक सप्ताह के अंत में, बिकॉज नाउ वी हैव प्रूफ दैट द थर्ड लेवल इज स्टिल देयर। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास एक सबूत है कि जो थर्ड लेवल है वो अभी भी वहीं पर है। माई सेम माई फ्रेंड सेम वेन्यू, मेरा फ्रेंड सेम वेन्यू डिसअपेयर्ड, यानी गायब हो गया। Nobody knew where, कोई भी नहीं जानता कि वह कहाँ गया। But I sort of suspect because Sam's a city boy, लेकिन मुझे एक प्रकार का संदेह है कि सैम एक शहरी लड़का है। एंड आई यूज टू टेल हिम अबाउट गैल्सबर्ग, और मैं मुझे गैल्सबर्ग के बारे में बताया करता था। आई वेंट टू स्कूल देयर, जहाँ मैं विद्यालय जाया करता था। एंड ही ऑलवेज सेड, और वो हमेशा कहता रहता था, ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस, कि वह उस जगह को पसंद करता है। एंड दैट इज वेयर ही इज, और यही वह स्थान है जहाँ वह है। ऑल राइट, सब कुछ एकदम सही है इन 1894, वह 1894 में, और यही वह जगह है कि वह 1894 में इस समय है। राइट डियर फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, बाकी के जो पैराग्राफ्स हमारे बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में, कल की क्लास में समझेंगे। अगर कोई डाउट देने में बचा हो, कोई कन्फ्यूजन, तो आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ अब हम मिलेंगे कल सुबह एक नए वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे।